स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस, परिचय एवं परिभाषाएं। कल की क्लास में हम कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कृषि आय, आयकर अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 यानी कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, धारा 10 उपधारा 1 के अंतर्गत भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय कर मुक्त है। भारत में स्थित कृषि भूमि, कल हमने कृषि भूमि की बात की, और कृषि भूमि का निर्धारण जिस आबादी वाले क्षेत्र के पास वो स्थित है उसकी जनसंख्या और उसकी स्थानीय सीमा से उसकी दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो अगर किसी नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10,000 तक है तो उसकी स्थानीय सीमा से बाहर स्थित कोई भूमि कृषि भूमि कहलाती है। अगर किसी गांव या शहर की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो परंतु 1,00,000 तक हो तो ऐसे गांव या शहर की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के बाहर या स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर दूर स्थित भूमि कृषि भूमि कहलाती है। और अगर किसी गांव या शहर की जनसंख्या 1,00,000 से अधिक हो परंतु 10,00,000 तक हो तो ऐसे गांव या शहर की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर स्थित भूमि कृषि भूमि कहलाती है। और अगर किसी शहर की जनसंख्या 10,00,000 से अधिक हो तो ऐसे शहर की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर दूर यानी कि 8 किलोमीटर बाहर स्थित भूमि कृषि भूमि कहलाती है। तो भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय, भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय कर मुक्त है। तो आज की क्लास में हम कृषि आय की बात करेंगे कि कौन सी आय कृषि आय कहलाती है, कौन सी आय एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। तो कृषि भूमि से कमाई गई आय कौन सी आय कृषि आय कहलाती है? पहली है कृषि कार्य से आय। खेती करके, कृषि कार्य करके अगर कोई आय कमाई जाती है तो वो कृषि आय कहलाती है, और ऐसी आय कर मुक्त होती है। तो कृषि कार्य में दो प्रकार के कार्य शामिल होते हैं, एक तो प्रारंभिक कार्य, दूसरा बाद के कार्य। प्रारंभिक कार्य पौधा निकलने से पहले के कार्य कहलाते हैं। तो कृषि कार्य से आए, कृषि कार्य में दो कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, एक तो प्रारंभिक कार्य और दूसरा बाद के कार्य। तो प्रारंभिक कार्य में पौधा निकलने से पहले के कार्य शामिल होते हैं, जैसे भूमि को जोतना, बीज बोना और पानी देना आदि। फसल उगने से पहले यानी कि पौधा निकलने से पहले जो कार्य किए जाते हैं वो प्रारंभिक कार्य किए जाते हैं, जैसे भूमि को जोतना, उसमें बीज बोना और फिर पानी देना, ये कार्य प्रारंभिक कार्य कहलाते हैं। और बाद के कार्य यानी कि पौधा निकलने के बाद के कार्य, जैसे पौधा निकलने के बाद में फसल की सिंचाई, सिंचाई करना, निराई करना, फसल को कीड़े, कीड़ों, जानवरों
आदि से बचाना और कटाई करना फसल की आदि कार्य शामिल किए जाते हैं। तो कृषि कार्य से आए तो कौन सा कार्य कृषि कार्य है, यह निश्चित करने के लिए हमको ये देखना होगा कि उस कृषि भूमि पर दोनों कार्य किए गए हों, प्रारंभिक कार्य और बाद के कार्य, पौधा निकलने से पहले के कार्य किए गए हों। अगर भूमि को जोता गया है, उसमें बीज बोया गया है, फिर पानी दिया गया है, फिर उसके बाद में फसल को कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से बचाया गया है, उसकी सिंचाई की गई है, फसल की कटाई की गई है, इस प्रकार के अगर कार्य किए गए हैं भूमि पर, कृषि भूमि पर, तो ऐसे कार्य कृषि कार्य कहलाते हैं। और इन कार्यों से अगर कोई आय प्राप्त की जाती है तो ऐसी आय कृषि आय कहलाती है, और कृषि भूमि से कमाई गई आय कृषि आय करमुक्त होती है। तो इन कार्यों को करके अगर कोई आय कमाई जाती है तो ऐसी आय करमुक्त होती है। नर्सरी में जहां पर पौधे उगाए जाते हैं तो उन पौधों से, नर्सरी में उगाए जाने वाले पौधों से अगर कोई आय कमाई जाती है तो वह आय भी कृषि आय कहलाती है। दूसरा, भूमि को किराए पर देने से आय, कृषि भूमि को अगर किराए पर दिया जाता है और किराए पर केवल कृषि कार्यों के लिए, और कृषि कार्यों में प्रारंभिक कार्य और बाद के कार्य शामिल किए जाते हैं, तो अगर कृषि भूमि को कृषि कार्यों के लिए किराए पर दिया जाता है तो ऐसे किराए की आय भी कृषि आय मानी जाती है। और जो किराया है वह किराया नगद में या वस्तु के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो कृषि कार्यों से प्राप्त आय कृषि आय कहलाती है। कृषि कार्यों के लिए भूमि को अगर किराए पर दिया जाए तो किराएदार से जो किराया प्राप्त किया जाता है वह किराया कृषि आय कहलाती है, और किराया नगद में और वस्तु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी आय है कृषि उपज को बेचने से आए, जो फसल पैदा हुई है कृषि कार्य करने के बाद में उस फसल को अगर बेचा जाता है, यानी कि फसल को बेचने से जो आय प्राप्त होती है वह आय भी कृषि आय कहलाती है। हमने बात की थी कि भूमि को अगर कृषि कार्यों के लिए किराए पर दिया जाता है तो किराए की आय भी कृषि आय कहलाती है, और किराया नगद और वस्तु के रूप में दिया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति ने भूमि को कृषि कार्यों के लिए किराए पर लिया है, वह अगर अपने द्वारा उगाई गई फसल को किराए के रूप में दे देता है, यानी कि किराया वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है, और मान लीजिए कि किराएदार द्वारा उगाई गई फसल को अगर वो किराए के रूप में देता है, और ऐसी फसल को भूमि के मालिक द्वारा ऐसी फसल को जो किराए के रूप में प्राप्त हुई है उसको बेचने से अगर कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय भी कृषि आय कहलाएगी, क्योंकि किराए की आय ही कृषि आय है, और किराया वस्तु या नगद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो किराए के रूप में अगर कोई फसल प्राप्त की जाती है और उस फसल को बेचने से अगर कोई आय कमाई जाती है तो ऐसी आय भी कृषि आय कहलाती है। तो चाहे जो कृषि उपज है, जो फसल है, वो भूमि के मालिक द्वारा खुद के द्वारा उगाई गई हो, या फिर फसल किराए के रूप में प्राप्त की गई हो, ऐसी फसल को, ऐसी उपज को बेचने से अगर कोई आय होती है तो वो कृषि आय कहलाती है। चौथा है, उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाओं से आए। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको, जिन पर आगे कुछ
प्रक्रिया करनी होती है, उनमें कुछ प्रोसेसिंग करके उनको बेचा जा सकता है। जो फसल उगाई जाती है उसी फॉर्म में, उसी रूप में उनको बेचा नहीं जा सकता, उनको विक्रय योग्य बनाने के लिए उन पर कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी ऐसी क्रियाओं के किए बिना उस फसल को बेचा नहीं जा सकता। तो ये क्रियाएं उस फसल को बेचने के लिए आवश्यक होती हैं। तो उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाओं से अगर कोई आय होती है, क्योंकि फसल को उपज को विक्रय योग्य बनाने से उसके विक्रय मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और विक्रय मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाओं से आय कहलाती है। तो उपज को बेचने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं की जाती हैं वह विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। और विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप फसल का स्वरूप परिवर्तित नहीं होना चाहिए, जो फसल है उसी स्वरूप में रहनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर तंबाकू उगाई जाती है तो तंबाकू को विक्रय योग्य बनाने के लिए उसमें कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, उसको सुखाना पड़ता है। इसी प्रकार जो कॉफ़ी है, चाय है, उसकी फसल को भी विक्रय योग्य बनाने के लिए उस पर कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, लेकिन उसका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, उसका रूप नहीं बदलता है। तो विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाओं से अगर कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय भी कृषि आय कहलाती है। और विक्रय योग्य बनाने वाले क्रियाओं के लिए शर्त यह है कि एक तो ऐसी क्रियाएं विक्रय योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों, और दूसरा ऐसी क्रियाओं के करने से उपज का स्वरूप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर सरसों से तेल निकालकर अगर बेचा जाए तो तेल की बिक्री से जो आय कमाई जाएगी वह आय कृषि आय नहीं कहलाएगी, क्योंकि सरसों उसी रूप में विक्रय योग्य था। तो सरसों से तेल निकालकर बेचने से एक तो उसका स्वरूप चेंज हो गया है, और तेल निकालना जो क्रिया है वो सरसों को बेचने के लिए आवश्यक क्रिया नहीं थी। तो जो हमने उदाहरण लिया कि सरसों से तेल निकालकर बेचने से अगर कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय कृषि आय नहीं होगी, केवल उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाओं से कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय ही कृषि आय कहलाती है। पांचवा है भवन से किराए की आय। कृषि भूमि से कोई लगा हुआ मकान, अभी हमने बात की थी कि कृषि भूमि में कौन सी भूमि शामिल की जाती है, तो उस कृषि भूमि से कोई मकान लगा हुआ हो, कृषि भूमि पर कोई मकान बना हुआ हो या पास में स्थित कोई मकान हो जिसको जो किसान है वह अपने रहने के लिए या उसको स्टोरेज के रूप में, भंडार गृह के रूप में उसका प्रयोग करता है। कृषि भूमि पर कोई मकान बना हुआ है या कृषि भूमि के पास में कोई मकान बना हुआ है और उस मकान को किसान के खुद के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर भंडार गृह के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, अपनी फसल को उसमें स्टोरेज करने के लिए अगर उसका प्रयोग किया जाता है, और ऐसे मकान को अगर किराए पर उठाया जाता है तो ऐसे मकान से प्राप्त आय भी कृषि आय कहलाती है, लेकिन ऐसे मकान को कृषि उद्देश्यों के लिए ही किराए पर उठाया जाना आवश्यक है। तो कृषि भूमि को कृषि कार्यों के लिए या कृषि उद्देश्यों के लिए किराए पर उठाने से प्राप्त आय कृषि आय कहलाती है, और कृषि भूमि से लगे हुए मकान को कृषि उद्देश्यों के लिए किराए पर उठाने से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। तो अभी हमने बात की कृषि आय की, तो इन क्रियाओं से अगर कोई आय प्राप्त होती है, यानी कि कृषि कार्यों से, भूमि को कृषि कार्यों के लिए किराए पर देने से, कृषि उपज को बेचने से, उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाओं से, या फिर कृषि भूमि से लगे हुए भवन को किराए पर देने से अगर कोई आय प्राप्त की जाती है तो ऐसी आय कृषि आय कहलाती है, और ऐसी कृषि आय अगर कृषि भूमि से कमाई जाए तो ऐसी आय करमुक्त होती है। कुछ प्राप्तियां, कुछ रिसिप्ट्स कृषि आय नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ क्रियाएं, कुछ प्राप्तियां बोर्ड पर लिखी हैं। पहली है अंशधारी को कंपनी से उसकी कृषि आय में से लाभांश। अगर कोई कंपनी कृषि कार्य करती है और कृषि कार्य से अगर कोई इनकम कमाती है तो ऐसी आय उस कंपनी के लिए करमुक्त होगी, लेकिन अगर कोई कंपनी का अंशधारी है और कंपनी ने जो कृषि आय कमाई है उसमें से, उन लाभों में से अगर किसी अंशधारी को लाभांश दिया जाता है तो उस अंशधारी के लिए कृषि आय में से प्राप्त लाभांश
कृषि आय नहीं कहलाएगी। दूसरा, भूमि पर लगने वाले मेलों एवं नुमाइशों की आय। भूमि को कृषि कार्यों के लिए किराए पर देने से प्राप्त आय कृषि आय कहलाती है, लेकिन अगर भूमि को मेले लगाने के लिए, नुमाइशें लगाने के लिए यानी कि एग्जीबिशंस के लिए, फेयर मेले लगाने के लिए अगर भूमि को किराए पर दिया जाता है, कृषि भूमि को अगर किराए पर दिया जाता है इन उद्देश्यों के लिए, तो फिर किराए की आय कृषि आय नहीं कहलाती। भूमि को केवल कृषि कार्यों के लिए ही किराए पर देने से प्राप्त किराए की आय कृषि आय कहलाती है। खानों से प्राप्त आय। कृषि भूमि पर अगर कोई खनिज पदार्थ निकल जाए तो ऐसे खनिज पदार्थ की आय फिर कृषि आय नहीं कहलाती। कृषि कार्यों से प्राप्त आय ही केवल कृषि कार्य कृषि आय कहलाती है। तो कृषि भूमि पर अगर कोई खान निकल जाए और वहां से खनिज पदार्थ निकलने लगे तो ऐसे खनिज पदार्थों की बिक्री से या ऐसे खनिज पदार्थों से होने वाली आय कृषि आय नहीं कहलाती। और अगर कृषि भूमि पर कोई खान निकल आए और किसान खुद खनिज पदार्थ निकालने में असक्षम हो, वो किसी कंपनी को खनिज पदार्थ निकालने के लिए वो अपनी खाने दे दे, किराए पर दे दे, और उसके संबंध में अगर वो रॉयल्टी प्राप्त करे, तो खानों से अगर रॉयल्टी प्राप्त करता है तो वह आय भी कृषि आय नहीं कहलाती। सिंचाई के लिए पानी देने से आय। अगर कोई व्यक्ति कृषि कार्यों के लिए काम में आने वाले पानी, कृषि कार्यों में जो जिस पानी से सिंचाई की जाती है वह पानी की सप्लाई करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सिंचाई के लिए पानी देने से जो किसान से जो आय प्राप्त होती है वह आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। लाख की खेती करने से आय। अगर कृषि भूमि पर लाख की खेती की जाती है तो ऐसी आय कृषि आय नहीं कहलाती। तालाब के सिंघाड़ों से आय। सिंघाड़े तालाब में गंदे पानी में स्वतः ही उग जाते हैं, तो सिंघाड़ों की बिक्री से जो आय होती है वह कृषि आय नहीं कहलाती। ईंटों के भट्टे लगाने से आय। अगर कोई भूमि का मालिक अपनी कृषि भूमि को ईंटों के भट्टे लगाने के लिए किसी व्यक्ति को किराए पर दे देता है या खुद ईंटों के भट्टे लगाकर ईंटों की बिक्री करता है और आय कमाता है, तो ऐसी आय कृषि आय नहीं कहलाती। डेयरी फार्म या मुर्गी पालन की आय। अपनी कृषि भूमि पर कोई डेयरी फार्म लगाता है या मुर्गी पालन का कार्य करता है और उनसे आय कमाता है, तो ऐसी आय भी कृषि आय नहीं कहलाएगी। केवल कृषि कार्यों से प्राप्त आय ही कृषि आय कहलाती है। और कृषि कार्यों में दो कार्य शामिल किए जाते हैं, प्राथमिक कार्य और अनुवर्ती कार्य, यानी कि पौधे लगने के पहले के काम और पौधा निकलने के बाद के कार्य। कृषि फार्म के मैनेजर का पारिश्रमिक। अगर कोई कृषि फार्म है, कोई फार्म हाउस है जहां पर खेती की जाती है और उसको संभालने के लिए किसी व्यक्ति को मैनेजर नियुक्त किया गया है और उस मैनेजर को दिया गया जो पारिश्रमिक है वह मैनेजर के लिए कृषि आय नहीं माना जाएगा। जंगली घास, बांस व स्वतः उगे पेड़ों से आय। अगर कृषि भूमि पर कोई जंगली घास, बांस या कोई पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं और उनको उनकी कटाई करके उनको अगर बेचा जाता है और बेचने से आय प्राप्त होती है, तो ऐसी आय भी कृषि आय नहीं कहलाती। पशुओं के चराने से आय। अपनी कृषि भूमि को चरागाह के रूप में पशुओं को चराने के लिए अगर किराए पर दिया जाता है, तो ऐसी आय भी कृषि आय नहीं कहलाती। लेकिन अगर उन पशुओं का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है और फिर कृषि भूमि को चरागाह के रूप में चराने के लिए दिया जाता है, यानी कि कृषि कार्यों में काम आने वाले पशुओं को चराने से अगर कोई आय प्राप्त की जाती है, तो वह आय कृषि आय कहलाती है। लेकिन कृषि आय में प्रयोग ना होने वाले पशुओं के अलावा अन्य पशुओं को चराने के से जो आय प्राप्त होती है वह आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। किराए की बकाया रकम का ब्याज। भूमि को अगर कृषि कार्यों के लिए किराए पर दिया जाता है और किराए की रकम अगर समय पर नहीं चुकाई जाती किराएदार के द्वारा, तो उस किराए की रकम पर अगर ब्याज वसूल किया जाता है, तो ऐसे ब्याज की राशि कृषि आय नहीं मानी जाएगी, वह अन्य आय मानी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।